जाने माने बिजनेसमैन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को बीती 19 जुलाई को मुंबई पुलिस ने पोर्न वीडियो से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 23 जुलाई 2021 तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है। वहीं इसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए राज के बिजनेस से जुड़ी सीक्रेट बातें सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर मिलिंद ने बताया कि राज का बिजनेस महज 18 महीने पहले ही शुरू हुआ था, लेकिन अचानक इतना बढ़ गया कि हर दिन लाखों में कमाई होती थी। पुलिस के मुताबिक राज भारत से हॉटशॉट ऐप के जरिए ये वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो वी ट्रांसफर के जरिए कंटेंट विदेशी कंपनी को देते थे। सारा कंटेंट उनके मुंबई स्थित ऑफिस में तैयार किया जाता था और इसके बाद लंदन बेस्ड कंपनी कैनरिन लिमिटेड को भेजा जाता था। राज कुंद्रा का ऐप हॉटशॉट गूगल प्ले स्टोर पर पिछले साल बैन कर दिया गया था। उनके पास एक और बैकअप ऐप बोलीफेम प्लान बी था। यूके का बिजनेसमैन कथित तौर पर मुख्य षड्यंत्रकार था। वो आपत्तिजनक पोर्नोग्राफिक कंटेंट मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए बनाता था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर प्रदीप बक्सी और राज कुंद्रा के बीच हुई व्हाट्सएप चैट की प्रिंटआउट वायरल हो रहे हैं। एक स्क्रीनशॉट में राज और प्रदीप के बीच सेल पर बातचीत हुई है। इसमें राज प्रदीप को ये भी बता रहे हैं कि उनकी एक लाइव आर्टिस्ट को पेमेंट नहीं मिला है। वहीं एक में मूवी की सेल डाउन होने पर चिंता जताई है। कुछ और चैट्स हैं जिनमें राज कुंद्रा ने एएलटी बालाजी का भी जिक्र किया है। एक मैसेज में प्रदीप बक्सी ने राज को जानकारी दी है कि पॉलिसी वॉयलेशन के चलते हॉटशॉट सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर राज ने जवाब दिया है, ठीक है, प्लान बी तो 2-3 हफ्तों में शुरू हो जाएगा। वहीं अश्लील फिल्में बनाने के और ऐप के जरिए दिखाने के आरोप में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।